बच्चों लोग आपके सामने जेई 2023 का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में एक रिटन पार्टिकल दिया हुआ है। बेसिकली इसमें अल्कीन सिस्टम है और इसमें एचबीआर को ऐड किया गया है और उससे पूछा गया है कि एचबीआर के एडिशन के बाद जो मेजर पॉड फॉर्म करने वाला है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपसे आपको बताना है। तो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये अपने अल्काइल हैलाइड चैप्टर का है। अब ध्यान देंगे इस फिगर में, ध्यान देना, तो आपके पास एक साइक्लो ब्यूटेन फिगर है, उसमें बाहर में एक अल्कीन है और यहाँ पे सी थ्री जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि पहले जब भी आप कोई भी रिएजेंट ऐड करते हो तो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो अल्कीन में ऐड होता है, यानी अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पहले होगा। तो एच बी आर में इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कौन करने वाला है, एच प्लस। तो इस एसिड से जो एच प्लस होगा वो पहले अटैच होगा सिस्टम में। और सिस्टम में जो अटैचमेंट देखोगे तो आपका जब एच प्लस अटैच होगा तो एच प्लस अटैच कहाँ होने वाला है, तो एच प्लस अटैच होगा इस कार्बन पे, यानी अल्किन का बॉन्ड तोड़ेंगे और एच प्लस इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे। तो एच प्लस के ऐड करने के बाद आपका सिस्टम ऐसा कुछ बन चुका है और यहाँ पे कटायन फॉर्म कर चुका है। अब कटायन चूंकि रिंग के पास में है तो साइक्लोब्यूटेन रिंग में स्ट्रेन होता है। जैसे ही रिंग के अल्फा पोजीशन में चार्ज पॉजिटिव बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो साइक्लोब्यूटेन खुद को एक्सपैंड करेगा, तो ध्यान देंगे तो एक्सपैंड जो करेगा तो इस एक्सपैंड को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को नंबर हम 1 बोल रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर हम 5 पॉइंट को अगर 1 पे लेके जाएं तो आपका रिंग का साइज क्या बनेगा, तो रिंग का साइज बनेगा 5 में रिंग बनेगा। तो मैं 5 में रिंग को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। जब 5 1 से जुड़ेगा तो पॉजिटिव कहाँ छूटेगा, तो पॉजिटिव छूटेगा पॉइंट 2 पे, यानी कार्बन 2 पॉजिटिव रहेगा। अब पॉइंट जो कार्बन नंबर 1 था उसमें 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है, तो इस 2 मिथाइल को हम 1 पॉइंट पे ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका रिंग एक्सपेंशन के बाद फिगर ऐसा कुछ बनेगा, यानी कटायन कहाँ बन चुका है, आपके कार्बन नंबर 2 पे। अब हमको दिख रहा है कि अगर हम अपना कार्बन नंबर 1 से अगर मिथाइल जो है अगर माइग्रेट कर जाए पॉइंट 2 पे तो अपना जो कटायन है और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पॉइंट नंबर 1 है यानी कार्बन नंबर 1 से मिथाइल जो है वो पॉइंट 2 पे शिफ्ट करेगा। तो उस शिफ्टिंग के बाद आपका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। और जो पॉजिटिव 2 पे था वो कहाँ चलाएगा, 1 पे चलाएगा। तो अब कटायन अपने स्टेबिलिटी को गेन कर चुका है, इस फर्दर कोई अब रिएजमेंट या माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अब इसमें हम बी आर एड करेंगे। तो बी आर जब माइनस ऐड होगा कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो चार्ज पॉजिटिव इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसको आप ऐड कर देना है। तो आपका जो फिगर बनने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ऑप्शन को आप चेक करो तो ये ऑप्शन आपका मैच किससे करेगा, तो ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन 3rd से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3rd होगा, ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोग जेई के क्वेश्चन के सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जेई के क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उससे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम लोग पैटी वैसे सॉल्व करके अपलोड करने का उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।